देखिए आज आज हम लोग हॉट एक्सल के बारे में सीखेंगे, ठीक है। क्योंकि जब हम लोग गाड़ी चेक करते हैं तो हम लोग को पूरा चीज़ चेक करना पड़ता है ना, तो हम लोग को बियरिंग भी चेक करना है, और ये इससे जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। अभी कितना बार गाड़ी जो है आपका जो है डिरेलमेंट हो जाता है इसके कारण, ठीक। और उसके बाद मान चलिए जैसे कि मेन लाइन में गाड़ी चल रही है, जैसे मालगाड़ी की अगर हम बात करेंगे तो अगर मेन लाइन में चल रही है और मान चलिए अगर हॉट एक्सल हो गया तो पूरा सेक्शन ब्लॉक हो जाएगा, और उसके पीछे अगर पैसेंजर गाड़ी है तो वो पैसेंजर में जितना पैसेंजर सबको प्रॉब्लम होगा, है ना। तो इसके कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। फिर इस वागन को हमको काट करके संटिंग करके कहीं और लेके जाके रखना पड़ेगा, फिर कनेक्ट करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो काफ़ी ज़्यादा पैसेंजर को भी नुकसान होता है। प्लस आपके मान चलिए इसमें जैसे पूरा कोयला लोड है और हॉट एक्सल हो गया कहीं रास्ते में, ठीक है, फिर हमको पूरा काट करके हटाना पड़ेगा, है ना। तो फिर रेवेन्यू का लॉस है, रेलवे का रेवेन्यू लॉस है। तो हम लोग को जब गाड़ी चेक करते हैं हम लोग, तो हम लोग को बढ़िया से चेक करना है कि इसका टेम्परेचर कितना है, तो कितना टेम्परेचर पे हम लोग हॉट एक्सल बोलेंगे इसको, ये चीज़ पता होना चाहिए, है ना। तो देखिए उसके लिए तो सबसे पहले ये तो मेरा है इंफ्रारेड वीडियो थर्मामीटर, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या है कि इसका एडवांटेज है कि आप इससे जो है पहली बार इसका टेम्परेचर तो मेजर कर ही सकते हैं, प्लस इसका रिकॉर्ड भी रख सकते हैं, फोटो भी खींच सकते हैं और वीडियो भी बना सकते हैं, ठीक है। ये कभी अगर ज़रूरत पड़े तो हम इसको देख सकते हैं कि कितना टेम्परेचर है इसका, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोग को चेक करना है कैसे इसमें पता चलेगा हॉट एक्सल हो गया। तो सबसे पहले हम लोग को चेक करना है, जैसे मान चलिए हम लोग को अपना आँख का यूज करना है, अपने कान का यूज करना है और अपने नाक का यूज करना है, ठीक है। और अगर ये चीज़ नहीं है साथ में तो हाथ का यूज करना है, लेकिन दूर से, सेंस ऑर्गन, ठीक है। तो मतलब जो हमारा इंद्रिया है जिससे हम सेंस करते हैं उसका हम यूज करके पता कर सकते हैं कि हॉट एक्सल है कि नहीं। तो कैसे पता चलेगा, अब हम सबसे पहले हम अपना यहाँ आँख का यूज करेंगे। तो जैसे मान चलिए गाड़ी चल रही है या फिर रुकी हुई है, हमको चेक करना है, ठीक है। तो रोलिंग इन में जहाँ पे रोलिंग इन होता है वहाँ पे भी चेक करना है देख करके, ठीक है। और अगर मान चलिए स्टेबल है गाड़ी, एग्जामिन हम लोग को करना है, तो हम लोग आँख से कैसे पता करेंगे, सबसे पहले देखना है कि कहीं पर ग्रीस तो नहीं निकल रहा बाहर, ठीक है, ग्रीस उजिंग तो नहीं है, ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट देखेंगे कि इसमें मतलब एक दो बार स्टड गायब हो जाएगा आपका, ठीक है, स्टड गायब हो जाएगा या फिर ये डैमेज तो नहीं है, ठीक है, तो एक्सल बॉक्स का डैमेज तो नहीं है, ये चीज़ हो गया। उसके बाद दूसरा चीज़ हमको देखना है कि इसमें से कहीं से धुआं तो नहीं निकल रहा है, ये आँख का बात हुआ, ठीक है, आँख से हम देखेंगे कहीं धुआं तो नहीं निकल रहा है, अगर मान चलिए गाड़ी चल रही है या फिर रुकी हुई है वो उस कंडीशन में भी थोड़ा दूर से। उसके बाद देखेंगे कहीं पे इसमें आग तो नहीं लग गया, इसका कलर चेंज होकर लाल हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, ठीक है, या फिर आप जो इसका व्हील है उसको देखेगा वो पूरा लाल हो जाएगा, ठीक है। तो आप व्हील लाल हो जाएगा, इसके बाद इसका भी कलर लाल हो जाएगा, ठीक है, ब्राउन हो जाएगा। तो ये हम लोग जो है अपना आँख से देख लिए, उससे पता कर सकते हैं कि इसमें हॉट एक्सल हो सकता है, ठीक है, कन्फर्म नहीं ये भी होगा कि नहीं, ठीक है। उसके बाद फाइनल मेरा इससे पता चलेगा, ठीक है, क्योंकि हम आँख से या हाथ से तो एग्जैक्ट टेम्परेचर नहीं बता सकते ना कितना टेम्परेचर है। तो हम लोग को क्या करना है, आँख का प्रयोग जब हम कर लें उसके बाद हम नाक का प्रयोग करेंगे। नाक का प्रयोग कैसे करेंगे, मान चलिए अगर चल रही है या फिर रुकी हुई है तो कहीं से स्मेल तो नहीं आ रहा, जब बियरिंग जब मान चलिए कुछ जलेगा तो स्मेल तो आएगा ना, तो हम लोग को ये पता चल जाएगा कि कहीं अगर जल रहा है कुछ तो स्मेल आएगा, तो नाक से भी पता कर सकते हैं। अब कान से कैसे पता करेंगे, कान से अगर जैसे मान चलिए गाड़ी चल रही है, रुकी में तो नहीं पता चलेगा, जब गाड़ी रुक जाएगी तो नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर गाड़ी मान चलिए चल रही है तब हम लोगों को इसमें से अगर बियरिंग से कुछ आवाज़ आ रहा है कर कर या कुछ भी ऐसा आवाज़ आप लोग लग रहा है कि कुछ मान चलिए इसका जो है इसमें जो बियरिंग है वो डैमेज हो गया, CTR भी है, बियरिंग डैमेज हो गया तो वो तो आवाज़ कर सकता है ना, तो वो उससे हम लोग पता कर सकते हैं रोलिंग इन में, है ना। तो हम लोग कान का भी यूज करके देख सकते हैं, आँख का और हाथ का कैसे करेंगे, हाथ यहीं से थोड़ा बहुत दूर से ही हल्का देखेंगे तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा आपको लगेगा, तो हो सकता है कि इसमें जो है हॉट एक्सल हो सकता है ना। तो उसके बाद हम लोग जब इतना चीज़ हम लोग को पता चल जाएगा कि इसमें हॉट एक्सल हो सकता है, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपका इंफ्रारेड वीडियो थर्मामीटर है या फिर नॉर्मल थर्मामीटर भी रहता है, तो उससे हम लोग को इसका टेम्परेचर मेजर करना है। तो टेम्परेचर मेजर करने का तरीका क्या है, देखिए अभी हम इसको ऑन कर रहे हैं, यहाँ पे ऑन करेंगे, देखिए ये अभी ऑन हो चुका है। अब यहाँ पे दिख रहा है, ये है IR कैमरा, इंफ्रारेड कैमरा, नीचे है IR मेजर, तो इसमें कैमरा में ही आपका दोनों चीज़ आ जाएगा, ये सब गैलरी वैलरी है जिसमें आपका स्टोर होगा, ठीक है। लेकिन कैमरा में हम लोग यहाँ पे फिर से इसको इंटर दबाएंगे, तो ये अभी ये देखिए आपको दिख रहा होगा कैमरा चालू हो गया मेरा, है ना, कैमरा चालू हो गया। अभी हम लोग को क्या करना है, इसका जो मेजर करने का तरीका है, इससे हमको फ़ोटो खिंचाएगा और इससे मेरा वीडियो बनेगा। तो अगर हमको रिकॉर्ड कुछ रखना है, मान चलिए फोटो खींचना है कि इसमें कितना टेम्परेचर आया, इसको दबाएंगे और यहाँ पे हमको इससे इसको दबाएंगे तो टेम्परेचर मेरा पता चलेगा इसको, ठीक है। तो अभी हम लोग को क्या करना है कि इसमें जब हम लोग टेम्परेचर मेजर करते हैं, इधर दिखाई तरफ,
तो ये आपका एडेप्टर हुआ, एडेप्टर के नीचे ये जो आउटर कप है मेरा, यहाँ पर मेजर करना है हमको टेम्परेचर। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, ठीक है, ये गलत तरीका है ना। तो यहाँ पे टेम्परेचर मेजर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको जो बियरिंग का टेम्परेचर पता नहीं चलेगा, है ना। तो बियरिंग का टेम्परेचर नहीं पता चलेगा हमको, यहाँ पे मेजर करना है बियरिंग का टेम्परेचर, ठीक है, जो ये आपका एडेप्टर के जस्ट नीचे में। तो यहाँ पे मेजर करेंगे, देखिए अभी यहाँ पे दिखाइए, आपका यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है लाल है ना, रेड लाइट जल रहा है ना। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपका टेम्परेचर इसका दिख रहा होगा 39, 38 पॉइंट, ये जो है एग्जैक्ट देखिए, यहाँ पे अभी 36.0 दिखा रहा है टेम्परेचर सेल्सियस में। अब हम अगर इसको दबा देंगे तो ये आपका स्टोर हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे, अब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हटा दिए, यहाँ से हटा भी देंगे तो ये आपका स्टोर हो गया है ना, इसको सेव कर देंगे। ये नेक्स्ट कभी भी हम इसको चेक कर सकते हैं, हाँ इस व्हील में मेरा इतना टेम्परेचर था, ठीक है, इसी तरह से हम उसमें चेक करेंगे। अब इसका एक और तरीका, इधर आइए, इसमें हम कैसे चेक करेंगे, इधर आइए, आइए इधर देखिए, ये मेरा ICF बोगी है ना, ये मेरा ICF बोगी है ना। ICF बोगी में हमको टेम्परेचर मेजर करना है, कहाँ चेक करेंगे, यहाँ पर टेम्परेचर मेजर नहीं करेंगे, ठीक है। इस बोल्ट को बोलते हैं क्राउन बोल्ट, क्या बोलते हैं, क्राउन बोल्ट, और ये बना मेरा मेरा है मेरा बियरिंग, रोलर बियरिंग है ना। तो इस दोनों के बीच में हमको यहाँ पे मारना है, ठीक है, तो यहाँ पे हम मारेंगे। अभी देखिए यहाँ पे दिखाइए 31.34 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है ना 30, तो इस पॉइंट पे हमको मारना है, समझ रहे हैं। ये आपका क्राउन बोल्ट और जो बियरिंग है, इसके जो आपका बियरिंग है इसके बीच में यहाँ मारना है ना, ये एग्जैक्ट टेम्परेचर मेरा बताएगा। उसी तरह से मेरा जो LHB कोच रहता है उसमें भी आपका जो साइड में मारना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे LHB कोच तो है ही नहीं, तो इसलिए हम लोग दिखा नहीं सकते। अभी देखिए क्या हो रहा है कि जैसे टेम्परेचर मान चलिए हम लोग को मेजर जब कर लिए, तो अब कितना पे हम लोग हॉट एक्सेल बोलेंगे ये भी पता होना चाहिए ना। तो जैसे इसमें कितना बियरिंग रहता है, टोटल 8 बियरिंग नहीं रहेगा, 1, 2, 3, 4, एक बोगी में 4 बियरिंग, तो 2 बोगी है पूरा, तो 8 बियरिंग होगा है ना। तो हमको टेम्परेचर मेजर करना है, तो मान चलिए हम इसका टेम्परेचर मेजर किए, ये आ गया 65 डिग्री सेल्सियस, कितना आया 65 डिग्री। वैसे नॉर्मल में कम आएगा, लेकिन अगर 65 आ गया तब हम दूसरा का मेजर करेंगे। इसी तरह से हम पूरा जो है पूरा कोच या पूरा जो वागन है मेरा उसका चेक करेंगे। अगर ये डिफरेंस 10 डिग्री का डिफरेंस है, मान चलो इसमें 65 आया, ठीक है, और 10 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है, मतलब 65 में 10 जोड़ेंगे कितना हुआ 75, तो दूसरा का हम टेम्परेचर मेजर किए तो 75 आ गया। तो 10 डिग्री का अगर टेम्परेचर अगर डिफरेंस आ रहा है मेरा, तो वो चीज़ मेरा नॉर्मल है, तो उसको हम अलाउ कर देंगे, ठीक है। अब अगर ये 10 से 15 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस आ गया, ठीक है, तो अगर मान चलिए मेरा कोच या वागन जो भी है वो चल रही है, अब हमको इस स्टेशन पर पता चला रोलिंग इन के दौरान, तो हम लोग नेक्स्ट स्टेशन को खबर देंगे कि इस पार्टिकुलर कोच या वागन में 10 से 15 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है टेम्परेचर में, ठीक है, 65 से ज़्यादा है और उसके में इतना का टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है, थोड़ा सा वहाँ पर चेक करवा लीजिए, नेक्स्ट स्टेशन पर भी चेक इसको करना है, ठीक है। लेकिन अगर 16 से 20 डिग्री का डिफरेंस आ गया, ठीक है, अगर किसी भी आपका बियरिंग में 16 से 20 डिग्री का अगर डिफरेंस आ गया, तो उस कोच या उस वागन उस रेक के साथ में हम लोग को एस्कॉर्ट करके जाना पड़ेगा, और जहाँ भी ट्रेन रुकेगी वहाँ पर हम लोग को चेक करना है उसमें कि कहीं उसका टेम्परेचर बढ़ तो नहीं रहा, ठीक है। और अगर टेम्परेचर मेरा 20 डिग्री से ज़्यादा हो गया, टेम्परेचर डिफरेंस हम बोल रहे हैं, ठीक है, टेम्परेचर नहीं, टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है, 65 प्लस टेम्परेचर डिफरेंस हम बात, तो वो अगर 20 डिग्री से अगर ज़्यादा हो गया तो उसको अलाउ नहीं करना, उस गाड़ी को उस कोच को हम लोगों को काटना पड़ेगा, ठीक है, या फिर जो भी वागन है उसको हमको वहाँ से काटना पड़ेगा, उसको सर्विस में नहीं चलाएंगे, ठीक। अब इसके बाद अगर मेरा कोच है और उसका उसके बियरिंग का टेम्परेचर अगर 80 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो गया, तो उसको हम लोग को नहीं चलाना है। वहाँ पर हम डिफरेंस का बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर, जब हम नॉर्मल मेजर करेंगे वो टेम्परेचर अगर मेरा 80 डिग्री से कोच में ज़्यादा हो गया, तो उस कोच को हम अलाउ नहीं करेंगे। और जो मेरा वागन है उसमें 90 डिग्री सेल्सियस से अगर ज़्यादा हो गया, तो उस कोच में हॉट एक्सल है, सॉरी उस वागन में हॉट एक्सल है, और उसको हमको सर्विस में नहीं चलाना है, उसको हमको काट देना है, उसका बियरिंग चेंज होगा, फिर से देख उसको जो है फिर से उसका आइडेंटिफाई जो भी है एग्जामिन करके अच्छे से फिर उसका बियरिंग चेंज किया जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ हुआ मेरा जो है पूरा हॉट एक्सल, हम कैसे पता करेंगे और कितना टेम्परेचर पर हम लोग को करना है।
अब जैसे मान चलिए अब हॉट एक्सल नहीं हो तो इसके लिए हम लोग को तो जैसे हम आपको बताया कि पहले तो इसका रोलिंग इन सही से होते रहना चाहिए, एग्जामिन के दौरान हम लोग को चेक करते रहना है। अब और एक चीज़ क्या है, जैसे मान चलिए अब जैसे गाड़ी चल रही है तो आप लोग बहुत बार देखे होंगे कि जैसे व्हील है तो व्हील पर काफ़ी ज़्यादा मेटल डिपॉजिट हो जाता है। अब मेटल जब डिपॉजिट हो जाएगा या फिर व्हील जो इसका आपका ब्रेक ब्लॉक है वो घिस गया या वो फिर डिफिशियंट हो गया तो उसमें ब्रेक बाइंडिंग के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो जब भी ब्रेक बाइंडिंग होगा तो वहाँ पर चांस बन जाता है मेरा हॉट एक्सल होने का, ठीक है। तो जब भी हम एग्जामिन करते हैं तो व्हील को भी देखना है, व्हील पे कोई मेटल डिपॉजिट तो नहीं है, ठीक है, उसको अच्छे से देखना है रिलीज सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, ब्रेक बाइंडिंग कहीं तो नहीं हो जा रहा है। क्योंकि अगर मान लीजिए गाड़ी चल रही है और ये व्हील घूम ही नहीं रहा तो इसका तो टेम्परेचर बढ़ते जाएगा धीरे धीरे, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आएगा जो 90 को पार कर जाएगा, है ना। तो 90 को जब पार करेगा तो हमको उसको काटना पड़ेगा, लेकिन कोच में हमको 80 तक देखना है, है ना। 80 हो जाएगा तो इसको हमको काट के हटा देना है, समझ। वागन में 90, कोच में 80, 80 डिग्री सेल्सियस, 80 से कम होगा, हाँ ठीक है, वो तो डिफरेंस हम चेक करेंगे फिर, समझ रहे। लेकिन अगर टेम्परेचर मेरा इससे ज़्यादा हो गया तो हमको गाड़ी को काट करके हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ मेरा हो गया इसका हॉट एक्सल का। उसके बाद जब भी जैसे मान लीजिए पीएच या आरएच होता है तो इसका इधर दिखाइए, इसमें जो इधर इधर इसमें जो आपका कैप है, ये सब जो आपका सीपीआरडी का कैप है, ये जो लॉकिंग प्लेट है, इस लॉकिंग प्लेट हमेशा नया लगाना चाहिए, समझे। ये लॉकिंग प्लेट हमेशा नया लगाना चाहिए। उसके बाद जब भी पीएच या आरएच होता है तो उसको हमको घुमा घुमा के चेक करना है कि कहीं इसमें कैसे आवाज़ तो नहीं आ रहा है, ठीक है। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। तो ये चीज़ समझ इधर आ जाइए। तो ये चीज़ हम लोग को ध्यान देना है, तो अच्छे से टेम्परेचर को मेजर करना है और गाड़ी को जब एग्जामिन करेंगे तो बढ़िया से थॉरली चेक करना है कहीं पे हॉट एक्सल तो नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस आपका जो है हॉट एक्सल का था, ठीक है, इसको ध्यान रखिए जब भी एग्जामिन करते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। चलिए।